घर है एक दीवाने दो दीवाने दो जो होगा हो जाने दो हो जाने दो हो जाने दो लेंगे पंगा won't let it go won't let it go dam diga dam dam diga 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 dam dam diga shubara bari bappa tarari bappa pa tare tare dam 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 chiki chak chiki karte hai sab hanky panky koi pagal koi cranky jitna chota utni chalaki कौन बनेगा इनमें से हाय इनमें से फैमिली नंबर वन फैमिली नंबर वन रश्मि रश्मि क्या है पापा नहीं वो क्या है ना कि जब तू इतनी सीरियसली सोच रही होती है तो मैं जरा घबरा जाता हूँ ओफो पापा मैं एक नए इनोवेटिव हेयर स्टाइल के बारे में सोच रही थी क्या मैं बताऊँ तुम अपने सर के ऊपर एक कटोरी डाल दो और कटोरी के आसपास सारे बाल काट डालो मेरी बिटिया आधी गंजी नया तो लगेगा ना पापा ऐसे लगेगा किसी आदमी ने बहुत मेहनत से चांद पे दो तीन झाड़ियां उगाई पापा मैं चला टेबल टेनिस खेलने Are you sure कि आप इस बैट से टेबल टेनिस खेल सकेंगे मुझे जरा मुश्किल लग रहा है अरे पापा ये बैट टेबल टेनिस खेलने के लिए नहीं है ये उन लोगों की पिटाई करने के लिए है जो मुझे खेलने नहीं देंगे शाबाश मेरे बेटे गट्टू आज तो जितने लड़कियों के सर फोड़ेगा ना उतने तेरे को और चॉकलेट्स मिलेंगे वाह बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपके बाप की आधी कमाई आस पड़ोस के बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने में निकल जाएगी आप जैसे नैरो माइंडेड पेरेंट्स की वजह से आज मेरा भारत कोई आदर्श गुंडा पैदा ही नहीं कर पाता खामोश आप इनकी बात पे बिल्कुल गौर नहीं फरमाएंगे और घर पर ही रहेंगे प्लीज पापा मैं घर पे बोर हो जाऊंगा डोंट वरी गुट्टू मैं हूं ना मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगी मैं दिन भर मेकअप करती रहूंगी और तुम मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करते रहना प्लीज पापा नो मींस नो प्लीज पापा पापा प्लीज तुम ऐसा करो हॉल में जाकर टेलीविजन देखो टीवी हमारे दुश्मनों का कभी नहीं क्यों नहीं भाई आफ्टर ऑल हम भी इस घर में रहते हैं इस कारण हम उनका टेलीविजन कभी कभी तो देख ही सकते हैं ओके अगर कुछ पंगा हो गया तो मुझे मत बोलना अच्छा गुड्डू रुको मैं भी हरी हूँ थैंक गॉड रशु के इनोवेटिव हेयर स्टाइल से तो बच गए कौन सा प्रोग्राम चल रहा है प्लीज बताओ ना कौन सा प्रोग्राम चल रहा है मेकअप वाली का कत्ल पहली बार नाम सुना हाँ तुम टीवी भी तो पहली बार देख रहे होगे नहीं नहीं लेकिन हाथी को टीवी देखते हुए पहली बार देख रहा हूँ तूफान चल न्यूज़ लगा मुझे देखना है कि दुनिया में किस किस को क्या दुख है ये हमारा टीवी क्यों देख रहे हैं क्यों भाई हम लोग के टीवी देखने से तुम्हारे टीवी का एक्स्ट्रा कलर खर्च हो रहा है क्या अरे जो खुद दूसरों को दुख देते हैं वो न्यूज में दूसरों का दुख क्या समझेंगे अरे भारती झगड़ो मत जल्दी बाहर जाओ तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहा है कौन पड़ोस के पीपल पर लटका हुआ भूत अरे वो जल्दी फिर थी मेकअप बॉक्स मुझे सुस्ती आ रही है वरना मैं इतने जोर का चिल्लाता था कि तेरी जो लाल लिपस्टिक है ना वो काली हो जाती थी मेरे सामने मेरी बहन का इतना इंतजार अब तेरे फुटिया क्या करेगा तू रुक जा दो मिनट मैं जरा उल्टा घूम लेता हूँ उसके बाद तू जी भर के इंतजार कर तूफान भारती मम्मी ने कहा है लोग से झगड़ा मत करो ये लोग भी टीवी देख सकते हैं अच्छा शालिनी आंटी इतनी समझदार है हाँ मैं भी तुम्हारी मम्मी को कितना गलत समझता था चलो भाई रिमोट ला गूगल ऐप पकड़ने में अरे हट हट ए डेड फुटिए अपनी बहन को सामने बैठा के देख ले ये भी किसी भूत वाले प्रोग्राम की हीरोइन दिखती है थैंक यू तुमने मुझे हीरोइन कहा दीदी इसका मतलब चुड़ैल से था चलो भाई टाइम पास मत करो रिमोट ले अरे 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 टीवी हमारा केबल कनेक्शन हमारा तो फिर टीवी प्रोग्राम भी हमारी पसंद का देख सकते हो अच्छा केबल कनेक्शन तो सारे बंगले के लिए है हम भी हमारी पसंद का प्रोग्राम देख सकते हैं अरे दीदी छोड़ना मत मैं भी आ रहा हूँ हाँ हाँ तुम लोग आके हाईशा तूफान जल्दी देवा स्वामी
स्वामी जय अम्बरीश देवा, कितनी आन से प्रभु, कितनी शान से प्रभु, तुमने था बम फेंका। ओम जय अम्बरीश देवा, स्वामी जय अम्बरीश देवा। पापा आप प्रसाद खाइए। हे भगवान, मेरे ही घर में तूने ऐसे नमूने क्यों पैदा किए हैं भाई? जी अमरीश देवा, इन्हें आप माफ कर देना, इनके बातों का आप बुरा मत मानना देवा। हे देवा। राहुल बेटा आप छोड़ इसको। छोड़ दूं? इनको छोड़ दूं? कभी नहीं। मेरा और इनका साथ तो पिस्तौल और गोली का है, गंगा जमुना का है, एक टकले और एक टोपी का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इनको छोड़ दूं? कभी नहीं। जय प्रभु देवा, जय प्रभु देवा। जरा अपने छोटे भाई से सीख। मैंने उसको कहा चुपचाप जाके टेलीविजन देख, हॉल में देख कितनी शांति है। हाँ यार बहुत शांति। ये तूफान से आने के पहले की शांति है। पापा! भंग हो गई ना शांति। मम्मी इसका ओरिजिनल कलर खो गया था, हम उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। चुप बैठो दी। ए मोटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? हाँ सही है, लगाना तो पांव था, मगर फिर ये बच्चा जो है प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस हो जाता। एक मिनट भाई, ये वर्ल्ड वॉर पार्ट 3 क्यों हो रहा है? पापा ये लोग हमें हमारे पसंद का प्रोग्राम नहीं देखने दे रहे। जिन गरीबों के पास टीवी नहीं होता है वो चवन्नी अट्ठाने लेकर मेले में जाते हैं, टीवी नहीं देखते। तूफान बिहेव योरसेल्फ, एक टीवी के लिए इतना झगड़ा, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी और उस डेढ़ फुटिए को। ए डरपोक, सॉरी कहती है भेजू तेरे पीछे एक भूत। भैया घबरा मत बहन, जब तक तेरा ये भाई जिंदा है कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा तो ठीक है भैया, पहले इसके भाई को टपका दो, फिर इसके सारे बाल बाके करके मैं इसे नया लुक दूंगी। पंगा ले लिया इन्होंने, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे मेरी औलादों, क्यों हमेशा मेरे सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो? What an irony पापा, आप टीवी के लिए खुद एड्स बनाते हैं और आप ही के बच्चे इन्हें देख नहीं पाते। पापा आपको मान ले एक नया टीवी लेना ही पड़ेगा। अरे फायदा क्या, घर में केबल कनेक्शन सिर्फ एक है, नया टीवी लाकर क्या उसमें उड़ते हुए मच्छर देखोगे? Come on पापा, आप एक नया केबल का कनेक्शन नहीं लगवा सकते? अरे मैं केबल वाले के पास गया था, वो अपने हनीमून पर गया हुआ कम्बख्त। भगवान करे बीच हनीमून में उसकी बीवी किसी और के साथ भाग जाए। राहुल बेटा एक टीवी के लिए इतना नीचे नहीं गिरते। ठीक है मैं ऊपर उठ जाता हूँ। भगवान करे बीच हनीमून में उसकी बीवी फ्लाइट में किसी और के साथ दौड़ जाए। यस ये थोड़ा ऊपर है ना पापा। लेकिन पापा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर हम टीवी नहीं देख पाए ना तो वो भी नहीं देख पाएंगे। हाँ yes. कहीं आरडीएस की दुकान मिलेगी? अभी पता करते हैं। एक घटिया सी टीवी का इतना घमंड, राम 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 क्या कलयुग आ गया। ओहो हो हो अरे सेक, इसको दे रही हूँ, तू क्यों चिल्ला रहा है? वो मम्मी
हम लोग की आपस में डील हुई थी कि इसे चलाने में सुस्ती होती है ना, इसके लिए इसके बदले मैं चलाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुम लोगों को लड़ने की जरूरत क्या थी? अरे टीवी हमारा और वो लिपस्टिक का पेड़ रश्मि, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे टीवी का केबल काटे। केबल कनेक्शन सिर्फ उनके नाम पर थोड़ी है, पूरे घर के नाम पर है। हम चाहें उसे काटे या छोड़े, हमारी मर्जी। बड़ा मर्जी मर्जी करते थे ना वो लोग, आज इस कराटे के दर्जी ने उन लोगों की मर्जी को फर्जी कर दिया। अपने आप को बड़ा कराटे मास्टर समझता है ना, उसे कराटे करा करा के डायना बुला दिया, तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। वो डाई फुटिया, उसके पैन के जितने तो मेरे सॉक्स होते हैं, वो काटेगा हमारी केबल। कैसे पापा है आप? आपको तो आपके बच्चों की साइड लेनी चाहिए। अरे जब भी मैं तुम्हारी साइड लेता हूँ, तुम लोग हमेशा मुझे साइड ट्रैक कर देते हो। मगर पापा, उस केबल वाले को अभी हनीमून पर जाना था। अरे अगर वो तुम्हारे झगड़ों में पड़ता तो उस बेचारे का हनीमून बुढ़ापे में ही मनता। मैंने तो सुना है कि बुढ़ापे में हनीमून मनाने से 50% डिस्काउंट भी मिलता है। एक मिनट राहुल भैया। अरे पापा, वो परसों तक तो हमसे मिलो आगे निकल जाएंगे, आप परसों की बात कर रहे हैं। भाई खैर, जब तक तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तुम मेरा ये टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हो, मगर माइंड यू, जरा ध्यान से, सेंटिमेंटल वैल्यू है। क्या फायदा पापा? क्यों? अरे टीवी में तो हम तस्वीरें भी देख सकते हैं, आपके इस घटिया टेप रिकॉर्डर में तो सिर्फ आवाज सुनाई देगी। मैं आपको इसमें तस्वीरें तो नहीं दिखा सकता, आपको परसों तक वेट करना होगा। पापा सुनो यारो, मेरे पास एक हिट आइडिया है। पापा हमारे टेप रिकॉर्ड को टीवी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मगर हम उनके टीवी को टेप रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। मतलब? मूवी ब्लो हिट हिट ब्लो माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर। एक मिनट, आप लोग टीवी को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं भाई? मम्मी, ये टीवी को ठीक करने का इंडियन स्टाइल है। अच्छा, लेकिन टीवी को हुआ क्या है? मम्मी, या तो हमारी पिक्चर ट्यूब नाराज हो गई है, या फिर हम लोग कलेक्टिवली अंधे हो गए हैं। हाँ, ये हो सकता है। नहीं मम्मी, हम अंधे नहीं हुए हैं। तो ये तो सब उस बदमाश पार्टी का काम है, उन्होंने हमारे टीवी को टेप रिकॉर्डर बना दिया है। बस 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 भारती। नहीं मम्मी, सच्ची मुच्ची। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब जान में जान आई। यानी हमारे पास दो जाने हैं, मरने के बाद भी हमें एक बार और जीने का मौका मिलेगा। मिस इंडिया, इसका कहने का ये मतलब है कि अब हमें चैन मिला। अब थोड़ी देर में पापा केबल वाले के पास जाकर नया कनेक्शन लेके आएंगे। हाँ, और आज हमारे घर में आएगी नई टीवी, आज रात को हम टीवी देख पाएंगे वो नई, यानी कि हमारी जीत। क्या हुआ मुगैम्बो साहब? खुश हुए? हेलो। हाँ हेलो, हाँ आप एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं दूसरे फोन पे हूँ। हेलो हेलो, हाँ दीपक मल्होत्रा जी का घर यही है? हाँ क्यों? हाँ जी, मैं खोजी केबल वाला बोल रहा हूँ, और दीपक जी को बोलना था कि मैं हनीमून से आ चुका हूँ, और अभी कब आऊँ नया केबल डालने के लिए? क्या नया केबल? हाँ वो क्या है ना कि हनीमून के लिए गया था ना, थोड़ा सा देर हो गया, वरना तो मैं जल्दी आ ही जाता। अबे देर से नहीं, जल्दी आ गए हो तुम। जल्दी नहीं, 3 दिन के लिए गया था, पूरे 4 दिन लग गए। 4 दिन? हाँ सिर्फ 4 दिन। क्या? अरे लानत है ऐसे पति पर जो अपनी पत्नी को सिर्फ 4 दिन की खुशी दे पाया। अरे काम भी तो करना पड़ता है ना मेम साहब। सदियों से भारतीय नारी का यही दुख रहा है, स्वार्थी पति अपने काम काज के आगे पत्नी की इच्छाओं को तुच्छ मानता है। कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ समझता हूँ। अबे कुछ नहीं, तुच्छ तुच्छ बोल रही हूँ मैं, छोटी गिरी हुई चीज। अच्छा अच्छा, न जाने क्या बीत रही होगी उसके दिल पर। देखो इसके पहले कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाए, उसे कम से कम 20 दिन और घुमा कर ले आओ। 20 दिन? और देखिए मैम साहब, आप जो भी कोई है, आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया, अब मैं चलता हूँ सेकंड हनीमून के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे थैंक यू तुम्हें नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? केबल वाला दोबारा गया हनीमून पर? हाउ डेयर ही। सॉरी प्रभु। वो पुरानी वाली के साथ ही गया है या नया हनीमून? नहीं
बीवी के साथ। गुड्डू, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी पापा, अगर मैंने ये जुबान रखी तो मेरे बच्चे ही बिगड़ जाएंगे। गुड्डू चुप करना यार, अब वो हमें फिर 8-10 दिन के लिए और जलाएंगे। पापा, इन्होंने तो अपना टीवी भी ठीक करा लिया, हम तो गए ना काम से। अरे घबराओ मत यार, पिछली बार हमने टीवी को टेप रिकॉर्डर बना के गलती की थी ना, मगर इस बार हम नो नथिंग डूइंग। डैडी कूल, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ। अरे धीरे से जाना टंगियन में रे। अब ये टीवी यही रहेगा। लेकिन इसका केबल लो, वो भी आ गया। अब देखते हैं वो लोग हमारी टीवी कैसे देखेंगे। अरे संभालो ना, गिर जाएगा। हो गया, चिल्लो मत। भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर हमने उनके केबल को बिजली के वायर से जोड़ दिया तो क्या उनके टीवी में आने वाले सारे आर्टिस्ट को झटका लगेगा? अरे जब टीवी नहीं बचेगा तो झटका कैसे लगेगा? ओके, चलो तुम लोग दूर जाओ, कुछ भी हो सकता है। ये गया उनका टीवी। बाहर आओ, कम ऑन आउट। क्या हुआ पापा? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाया? अरे फॉरेन टेक्नोलॉजी से बना हुआ आई प्रेजेंट द टेलीविजन। लेकिन ये क्या पापा, बिना केबल के टीवी देखेंगे? अरे यही तो खासियत है इस टेलीविजन में, इस टेलीविजन के अंदर डिश एंटीना लगा हुआ है और इसमें पता कितने चैनल्स हैं? कितने? 300, पूरे 300 चैनल। वाओ, ये तो राहुल भैया जल्दी लगाओ, कम ऑन। चलो चलो चलो, जाओ ऑन करो। एंड विद अ रिमोट। देयर यू गो, व्हाट अ शॉट यार, तेंदुलकर इज सच अ ब्रिलियंट प्लेयर। शेर को क्या कर रहा हाथी? अरे क्या शेर ने हाथी को, मेरा मतलब है क्या हाथी ने शेर को पटका है? अरे माइकल जॉर्डन, व्हाट अ बास्केट, एक्सीलेंट। ये देखो जा, मगर पापा, अरे व्हाट क्लैरिटी, व्हाट क्लैरिटी, वाह पापा, व्हाट अ क्लैरिटी, एकदम झकास, व्हाट अ टीवी, व्हाट अ टीवी, पापा क्या कमाल का टीवी है। अरे वाह पापा, हॉरर शो कौन से चैनल पे आता है? 288 फैंटास्टिक, क्या टीवी है, क्या साउंड है, क्या नाच रहा है, क्या नाच रहा है, क्या नाच रहा है, रेसलिंग, हाँ रेसलिंग रेसलिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.